सवाल पागल हो गया पागल थोड़ा सा ना इधर मुझे डेली याद होता उनके पास शिट यार नानी तो है ही नहीं कई बार जो मैं मानता था यार ये करना था तो नानी तो है ही नहीं आए कर दिया वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल दिस इज मी अभिषेक जायसवाल और आप देख रहे हैं अभिषेक जायसवाल ब्लॉग। तो गाइस होप करता हूँ आप अपने घर में ठीक होंगे मस्त होंगे और मजे कर रहे होंगे। देखो आपको आवाज़ आ रही होगी खुदाई की, गली में फिर खुदाई स्टार्ट हो गई है, दूसरी साइड हुई है मतलब दूसरी गली पड़ दिया हमारा बीच में पड़ता ना तो उधर खुदाई शुरू हो गई है। और गाइस आज मेरी नानी की डेथ हुई थी 6 मार्च 2023 को सुबह, मतलब रात को हम हॉस्पिटल में थे, मामा और मैं रुके हुए थे तो सुबह मतलब जब बुलाया पहले वेंटिलेटर में वो मतलब कोई ऐसा दिन नहीं है जो मैं याद नहीं करते बट क्या बता आज भी बोल क्योंकि बहुत याद आ रही है बट समझ नहीं है मुझे कि क्या करना चाहिए बट वो कुछ ठीक नहीं लग रहा। तीन साइड चल लिया ऐसी कोई दिक्कत थोड़ा सा ना इधर मुझे डेली याद होता उनके पास आई डोंट नो व्हाट द इनपुट और आउटपुट दिस टाइम बट आई एम वेरी आई डोंट नो कि इतना बिजी करता हूँ कि उठ नहीं आता बस क्या करूँ फिर आया था तो भाई अब ऑफिस भी जाना बहुत अजस्ट हो रहा है तो नहा दो रेडी वेडी हो तो फिर आपसे मिलता हूँ ठीक है। ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा बहुत चीज़ें भी लाइफ में करती है आगे बढ़ना बट मुझे ये नहीं है किसी को दिखाना दुख करना। मेरे अंदर एक दिन तमन्ना थी कि मैं नानी के लिए कुछ करूँ, मैंने सोचा भी सपोर्ट करते एज ए एल्डर बॉय सब ज़्यादा वो करते हैं सपोर्ट करते हैं बट मैं भी कोशिश करता हूँ कि डेली विजिट हो बट आज पता नहीं क्या हो गया मम्मी गया मम्मी को भी छोड़ ले गया फिर आया अभी सब सैड है बट थोड़ी वो एडिटिंग कर रहा था एडिटिंग के बाद व्लॉग अपलोड करा फिर पता नहीं क्या होने लगा एकदम से। मेरे कई घंटे से सारे हो गया अंदर से कई चीज़ें करनी है बट समझ में नहीं आता कैसे बोलूं यार शिट यार नानी तो है ही नहीं कई बार जो मैं मानता था यार ये करना था तो नानी तो है ही नहीं तो सब बेकार है। तो भाई ठीक है ना दो के मिलता थोड़ा सा इमोशनल हो गया मैं हूँ भी बहुत ज़्यादा इमोशनल उसके लिए सॉरी बाकी आगे बढ़ते हैं ब्लॉग। तो भाई मैं रेडी वेडी हो चुका हूँ ऑफिस के लिए ब्लैक शर्ट और जींस पहन रखे तो निकल देंगे इस ऑफिस और फिर मिलते हैं ऑफिस ऑफिस पहुँच के ठीक है। और बाकी जो भी था इमोशनल हो गया था थोड़ा सा बनता भी है क्योंकि ऐसा होता है ना जब हम किसी जने से अटैच होते हैं तो लगता है शायद वेस्ट करिए ना उसका वो तो
किसी से अटैच होते हैं, तो उसके लिए हम कोई भी चीज़ हम कर सकते हैं। जैसे हमें अच्छा लगता है यार उसके साथ टाइम स्पेंड करना या उसके लिए कुछ करना, तो माय अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से भाई ये होता ही है। और आप किसी से अटैच हो, लोगों का तो जो पेट पालते हैं कुत्ते बिल्ली जो भी है वो उनकी उम्र बहुत कम होती है, तो मर जाते हैं या किसी कारण तबीयत ख़राब होने के कारण उनकी डेथ हो जाती है, तो लोग उसी से इतना लगाव कर लेते हैं कि 4-5 साल में 10-12 साल में। तो यार नानी बचपन से मेरे साथ है, ठीक है। और एक मेरी मौसी की बेटी थी, बड़ी थी, हमारे घर में लड़कियों में बड़ी वो थी, लड़कों में बड़ा मैं हूँ, ठीक है। तो हम लोग पहले तो हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा प्यार मिला है नाना से नानी से और सारे मामा मौसी मम्मी घर वाले सब जगह, तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, थोड़ा सा कि बूस्ट मिलता थोड़ा लाइफ में कि कौन कैसा है क्या है। बट अब नाना तो मेरे 2005 में गए थे, मतलब उनकी डेथ हो गई थी, उनकी तबीयत मेरे बर्थडे से 1 महीने पहले, मतलब 13 जून को उनकी डेथ हुई, 13 जुलाई को मैं मतलब मेरा बर्थडे आता है, और उसी साल 26 सितंबर को मेरी सिस्टर पैदा हुई थी, मतलब मेरी बहन बॉर्न हुई थी उसी दिन, मतलब उसी साल में 2005 में। तो बहुत सारी चीज़ें नाना से तो ऐसा था ना, छोटे थे वो नाना है ना, तो मुझे बहुत सारी बातें याद नहीं है, कुछ कुछ पल याद हैं कि उनकी तबीयत ख़राब थी, मैं उनके साथ था, ये सब पल याद है, बस ज़्यादा मुझे याद नहीं है उनके बारे में, मतलब क्योंकि बड़ा हो नहीं पाया। जब मैं बड़ा होगा भाई नानी हमेशा साथ है, कोई भी डिसीजन है नानी लेंगी, मैं उनसे मज़े भी लेता था, नानी आईफोन लूँगा नानी गाड़ी लूँगा, तो कहती थी चल पहले कमा तो ले पहले कुछ कर तो ले, मतलब मज़े लेती थी वो भी यूँ कहती थी चल। मेरी मम्मी 10 गलतियाँ गिनाती हैं, मम्मी पापा मतलब सब बोलते हैं अरे निखिल तो ऐसे करता ये तो ऐसे करता, बट ऑलवेज सपोर्ट करती थी मेरी नानी मुझे, नहीं ना तुम ही लोग करते हो उसके साथ ऐसा, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा ना हमारे घर का कोई सा भी मेम्बर होता, चाहे छोटे से लेके बड़े से लेके, वो किसी प्रॉब्लम में होता या वो चला जाता हमें छोड़ के, तो बड़ी दिक्कत होती। तो उस चीज़ को ना एडजस्ट करने के लिए हम अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं कि चल लाइफ बिज़ी रहे हम भूल जाएं, बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम बहुत चीज़ों को हम सोचते हैं कि, बट मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होगा नहीं, तो अपनी लाइफ के साथ ढल जाओ और अपनी याद करते रहो। देखो ऐसा होता है ना, हमें रोना आ रहा है, हमें लग रहा है यार मैं रो दूँगा, तो भाई रो अकेले में बैठ कर, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो भी ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा अपने घर वालों को या अपने गार्जियन को याद करना तो ये बनता है। बहुत सारे जने तो टीनेज में ही बाहर एब्रॉड या कहीं मतलब कहीं भी जाते हैं आउट ऑफ द मतलब टाउन पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए, तो सोचो उनको कैसा लगता होगा। बहुत सारे तो हमारे दिल्ली में रहते हैं, उनकी फैमिली गाँव में है या कुछ है, बेचारे सालों में महीनों में जाते हैं, तो उन्हें याद, उनके तो हैं फैमिली मेम्बर लाइव है, तो उन्हें याद नहीं आती। सो याद करना चाहिए, और लाइफ जैसे जैसे बढ़ती है वो तो ढलते रहेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर अलग अलग आता रहता है, तो उससे इंसान बढ़ता ही रहता है, कोई ऐसी वाली दिक्कत नहीं होती, ठीक है। सो गाइस ऑफिस पहुँच से मिलते हैं, और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें करो वीडियो को और फैला दे करो, ठीक है। उन्हें लेना है वो गाँव गए थे ना, उन्हें लेना है
साहिल में और मामा लेना है। साहिल पता नहीं कहाँ घूम गया, मिल नहीं रहा, मुझे फ़ोन ही मिला रहा हूँ। ठीक है, मिलता हूँ थोड़ी बहुत देर में, मिला ठीक है, मिलता हूँ थोड़ी बहुत देर। वह जूझ रहे हैं स्टेशन पे, साहिल ही पीछे चल रहा, मामा आगे जा रहे हैं। ठीक है, उनसे मिलवा दूँ ऊपर पहुँच के। चल रहे मामा, आज संडे का दिन है, आज उन्हें लेना है। वेट कर रहे हैं, ट्रेन 10-15 मिनट लेट है तो आ रही है फिर। ठीक है, मिलाते हैं सबसे, मिलाते हैं। B4 पे बैठे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 5, तो अभी आने वाले। ठीक है, दिखा दूँ क्योंकि सुबह ट्रेन आ चुकी है, भीड़ देख लो भाई साहब, इसलिए हमने AC में कराई थी। देखो भाई, ओ तेरी क्या भरी बढ़िया भाई, गचा गच भरी बढ़िया, भरी बढ़िया। बस निकल रहे हैं, आने वाले मामा, ये तो स्लीपर है क्योंकि B4 है ना, B4 पे उनकी, तो टाइम दिखा दूँ। आ जा भाई, 5:28, 10 मिनट के 5 मिनट टाइम दिया, 8 मिनट लेट है, सही है अपने टाइम से, तो 8 मिनट में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दिखा देंगे इस, ठीक है, बने रहे, और फ़ोन वोन थोड़ा रखूँगा यार, यहाँ पे सीन हो जाएगा। ठीक है, मिल दो बस थोड़ी बहुत देर। गाइस ये पहुँच गए हैं, गोलू अरे गोलू अरे गोलू, हाय कर दे, हाय कर दे। तो गाइस निकल चुके हैं, बाइक लेने जा रहे हैं, सामान निकल गया, बाइक पे लोड करके फिर निकलते हैं। ठीक है, इससे ये दिखता ही नहीं यार, चल सीधे चल, सीधे चलना भाई। अबे ये पार्किंग यार बगल में, इधर से निकल लो। हाँ तो पहुँच गए, गाइस निकल रहे हैं सब, बोलू आ जाओ अंदर आ जाओ। निकली तास भाई, हम घर पहुँच चुके हैं। 34 का ये रहा बोलू, मेरा भी डाल देना बोलू, हाय कर। सवार पागल हो गया, पागल हो रहा है, पहुंच चुका है। ठीक है, बच्चों को इतना वो करेगा, थोड़ी बहुत देर में घर वाले घर पे जाना। सो गाइस मैं घर पहुंच चुका था, मतलब मामू को लेके आया था करावन नगर, फिर मैं घर आ गया हूँ। तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।